ओके सो हे गाइस वसा वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पिन जिसका यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो को जो आप लोगों को कंप्लीट वॉच करना, बाकी सब कुछ आप सभी को समझ आएगा वीडियो में, बस आप लोग कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको करना आपको जाना यहाँ से ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना, ठीक है। एंड गाइस बैकग्राउंड इसके ऊपर जो मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है तो आपको आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच जरूर करना क्योंकि अभी मैंने उसमें नया ट्रिक बताया आप सभी को, तो उस वीडियो को चेकआउट करना। फिर गाइस आप जब यहाँ पर अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस आपको कुछ स्टेप्स आपको यहाँ पे ऐसे अपने मॉडल को ऐड देना, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको अभी टैप करना, एंड उसके बाद आपको यहाँ से जाना ऐड फोटो, मैंने कहा यहाँ से आप सभी शेडो को पीएनजी ऐड कर लेना, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड गाइस के बाद आपको ये करना है आपको यहाँ पे पीएनजी लेना, एंड उसके बाद जो आपको सिंपली अपने शूज के नीचे कुछ स्टेप्स रख देना। एंड उसके बाद इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन आपको सिंपली उसको पर क्लिक करके उसको डाउन कर देना, एंड साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेना। फिर आपको इतना कर देने के बाद आपको ये करना है आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसको यहाँ पर डन कर सकते हो, ठीक है। उसको ओपन कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ से हम ऐड फोटो में जाएंगे, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ऐड करेंगे जो हर्ट का पीएनजी, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद जो है आप सिंपली आपको अपने चेस्ट के पास जो कुछ स्टेप्स ऐसे लगाना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना कुछ इस टाइप से, एंड ये जो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सिंपली कर देना डन। अब गज इतना हो जाने के बाद आपको फ्री करना, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड गज इसको लेकर चलना लाइट रूम ऐप में, लाइट रूम ऐप में गज मैंने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है तो वहाँ पर डायरेक्ट ओपन कर लिया मैंने। फिर आपको यहाँ पे जाना है स्लाइड वाले ऑप्शन में, आपको यहाँ पे करना है कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना है, हाइलाइट जो है गज इसको इंक्रीज कर देना है, शेडो जो है गज इसको यहाँ पे हल्का सा माइनस कर देना है, एंड जो व्हाइट है यहाँ पे इसको हल्का सा इंक्रीज कर देना है, एंड जो ब्लैक है यहाँ पे हल्का सा इसको माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है फोटो का, जो टेम्परेचर उसको हल्का सा कम कर देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको जाना है कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद आपको ऑरेंज कलर यहाँ पे जो रेड कलर है जो उसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन उसको प्लस कर देना है। फिर आपको ऑरेंज कलर में जाना है, आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है, जो उसका ल्यूमिनस है उसको थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप सभी को, एंड जो उसका येलो कलर है इसका ह्यू जो आपको माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन उसको भी माइनस कर देना है। फिर उसके बाद आपको ग्रीन कलर लेना है, इसका सैचुरेशन आपको माइनस कर देना है, एंड उसको बात कर देना है डन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना कलर के नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, क्लियरिटी इंक्रीज करने के बाद आपको फोटो में विग्नेट डाल देना है, एंड इसके नीचे स्क्रॉल करके आपको मिले ग्रीन माउंट आपको उसको भी बढ़ा देना है, एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में, यहाँ पे गाइस आपको फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज करना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।